नमस्कार, मैं जॉय, आप देख रहे हैं असल न्यूज। असल न्यूज में आपका स्वागत है। असल न्यूज सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, जीते रोजाना पेटीएम कैश, और जिसमें पहले 48 घंटे के अंदर इस खबर को 10 लाइक, 10 शेयर और 10 कमेंट कराने वालों को 100 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा, और दूसरे को 50 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा, और तीसरे को 25 रुपए पेटीएम कैश। उठाइए अपना फोन और लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको इस पेटीएम कैश प्राइस से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जानकारी ले सकते हैं। अब खबर विस्तार से। पुलवामा अटैक के बाद भारत में काफी गुस्सा है। सभी चाहते हैं कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाए। 44 जवानों के शहीद होने के बाद कोई ना कोई किसी न किसी तरह से शहीद परिवार की मदद कर रहा है। सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने की घटना के बाद से सरहद पर तनाव है। पीएम मोदी ने देश को भरोसा जताया है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा था, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला निंदनीय है, मैं इस कारायना हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे बहादुर जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। संपूर्ण राष्ट्र कंधे से कंधा मिलाकर शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। घायलों की जल्द तंदुरुस्ती की कामना करता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा रोते हुए पीएम मोदी से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उसकी माँ और बेटे टीवी देख रहे हैं, जिसमें शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, जिसको देखकर बच्चा रोने लगता है। माँ पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो रोते हुए कहता है कि मैं रो रहा हूँ क्योंकि हमारे जवान मर गए हैं। इसका क्यों रो रहे हो? मुझे क्यों? मैं रो रहा हूँ क्योंकि हमारे इंजीनियर सुनते मर गए, इंडिया के सोल्जर मर गए। जब माँ पूछती है कि तुम मोदी जी से क्या कहना चाहते हो, तो बच्चा कहता है प्लीज उनको बचा लो, जिसके बाद बच्चा रोते हुए कहता है मैं बड़ा होकर भारतीय जवान बनूंगा और इसका बदला लूंगा, मैं अपने देश को बचाऊंगा और बदला लूंगा। आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ प्लीज उनको बचा दो, मैं पहले हो गए इंडिया सर्जन बनूंगा और उनका बदला लूंगा। पुलवामा अटैक में पहले देश में 40 सीआरपीएफ जवान हुए, फिर 18 फरवरी को हुए एक एनकाउंटर में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। बता दें कि पुलवामा में हुए एनकाउंटर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड कमरान गाजी पर मार दिया गया है। 18 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में मेजर विभूति समेत 4 सिपाही शहीद हो गए थे। वहीं एक ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कर्नल को गोली लगी थी। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जीते पेटीएम कैश।